अर्जुन जी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे शादी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम वैसे भी हम बदनाम हो गए हैं इतना, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और कोई दबाव तो नहीं ना, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा ना, जब मैं उनके साथ बदनाम हो ही चुकी हूँ तो मैं अब उन्हीं से शादी करूंगी, उन्हीं के साथ रहूंगी। और विष्णु राज ने उसकी शादी भी करवा दी। बताइए, बोल रही है कि जब मैं बदनाम हो चुकी हूँ, अरे ये नहीं बोल रही है कि जो तुम्हारी हवस थी वो नहीं पूरा हो पा रहा था जिसकी वजह से तुम। और वैसे एक बात कहे ना दोस्तों, ये इसके लायक थी भी नहीं, क्योंकि उसको मारना, गाली देना और बहुत कुछ करना हमेशा उसके साथ करती रहती थी। हमेशा इन लोगों का नाटक आप लोग देख ही रहे थे। मगर एक चीज गलत हुआ है ना, इसने तो कर ली, इसका तो हो रहा है। कुछ दिन पहले उसे राखी बनवाती थी, भैया भैया करती थी, आज बता ली, अब ये क्या करिए, सैया बना लिए। उसको भी एक बच्ची है, वो उसकी बीवी रो रो के उसका बुरा हाल है। और यहाँ पे ये इसके साथ दोनों गायब भी हो गए हैं। कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है दोस्तों। बताइए इन लोगों का। और शादी भी की है कौन से मंदिर में जाके, मुझे तो ये भी क्या मालूम सच है कि क्या झूठ है, कुछ समझ में आ रहा है? सिंदूर के जगह ना जाने पीला पीला क्या सा अबीर उबीर लाके कुछ भी डाल रहा है। इन लोगों का हमेशा से नाटक शुरू ही रहता है, आप लोगों ने तो देखा ही है। भैया भैया बोलती थी और आज बताइए उसी के साथ शादी कर ली और ये सब दिन दिखा रही है। और वो ससुरबाणा विष्णु राज तो शादी करवा रहे हैं मंदिर में ले जाके। बताइए, वो अभी गोरखपुरिया भौजी के पास गई थी उससे कि मेरे पति मुझसे ऐसा ऐसा इल्जाम दे रहा है। अच्छा, कोई ऐसा बात आप लोगों ने कभी सुना है कि मैं जिसके साथ बदनाम हुई तो उसी के साथ शादी कर लूंगी? वो भी एक दो बच्चे की माँ है। बदनाम बदनाम, अरे लोगों का तो काम है कुछ कहना। अगर तुम सही हो, ये नहीं बोल रहे हो कि मैं पहले ही से उसके साथ तुम्हारा चल रहा था, लोगों ने कहा उसी का फायदा उठाते हुए। हाँ हाँ ठीक है, जो हुआ आराम से कह रही है। और अपने पति से पूछ रहे तुम आत्महत्या तो नहीं करोगे? अरे तेरी जैसी बीवी कोई और मर्द रहता ना, तो अब वो क्या करता उसी को पता होता। तुम्हारे लिए वो क्यों अपनी जान दे? अरे एक बच्चा है उसका, उसको माया दया लग रहा होगा कि वो बच्चा है, बाकी तुम्हारे लिए क्या? अब आप लोग बताइए दोस्तों, ऐसे औरतों के साथ क्या करना चाहिए? और दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाया हूँ। क्या करें दोस्तों, पिछले काम धाम में थोड़ा व्यस्त रहते हैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।